Good morning everyone. Welcome to Switzerland. And welcome back to our channel of Dr. Prashant and Neha Vlogs. So ye hai hamara second vlog of our travel destination to Zurich and in Zurich. So abhi hum Zurich airport pe hi hain, jaise ki last vlog mein humne chhoda tha. And ab hum ja rahe hain yahan se main train station, jahan se hum train lenge Rhine Falls jane ke liye. To pehle samaan rakhenge storage mein, luggage mein. और फिर हम लोग जाएंगे वहाँ से ट्रेन लेके राइन फॉल्स. अभी हम लोग एयरपोर्ट पे ही हैं और यहाँ पे सब कुछ इंटरकनेक्टेड, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. तो यहाँ से स्टेशन के लिए ट्रेन लेंगे. हमारे पास भी ट्रैवल पास हमने पहले ही परचेज कर लिया था, तो हमें ट्रेन के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए. जस्ट वी हैव टू शो आवर ट्रैवल पास एंड वी आर ऑल गुड टू गो. हम लोग ट्रेन स्टेशन वाले फ्लोर पे आ चुके हैं. लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे हम लोग आ गए हैं. अब हम लोग इस एयरपोर्ट से ट्रेन लेंगे ज्यूरिख एचबी मेन स्टेशन के लिए. बट यहाँ पे इतना अच्छा है, मतलब ये जो रेलवे स्टेशन भी हम लोग जा रहे हैं, जस्ट लाइक एयरपोर्ट. ये बिल्कुल एयरपोर्ट से कम नहीं है. ये देखिए, यहाँ पे बैगेज चेक इन, गेट्स, जस्ट लाइक द एयरपोर्ट से. बहुत ब्यूटीफुल ट्रेन स्टेशन है दिस वन. एंड इसके साथ जो ज्यूरिख का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज इंटरकनेक्ट. सो हाय एवरीबॉडी, हम लोग आ गए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे और दिस इज आवर फर्स्ट जर्नी फ्रॉम ट्रेन. सी द ट्रेन. हम लोग आ गए हैं ट्रेन में. एंड दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेन जर्नी इन स्विट्जरलैंड. सो कंफर्टेबल, सच अ नाइस ट्रेन, बहुत अच्छा है. हम लोग जा रहे हैं ज्यूरिख एचबी, दैट इज द मेन ज्यूरिख स्टेशन. वहाँ से हम लोग सामान लोकल में रख के एंड देन विल गो टू राइन फॉल्स, जैसे आपको बताया था. बट इट्स ऑल टुगेदर, क्या बोलूँ मैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस. And everything is so smooth, so well planned. यहाँ पे जो local trains हैं वहाँ पे भी luggage रखने का, जैसे ही हम gate से enter हुए थे तो door के अंदर ही side में trays लगी हुई हैं. So shelves, kind of shelves. वहाँ पे हमने अपने luggage अच्छे से settle कर दिया है. बहुत सारा luggage है हमारे पास भी. And we're comfortable now. अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि लॉकर रूम कहाँ पर है. तो हमारा जो सारा सामान है तो वो हम लॉकर रूम में शिफ्ट कर देंगे और फिर हम अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स कन्वीनियंट, इतना सामान लेकर हम घूम नहीं सकते. सो इट्स लाइक दैट. हाउ द लिफ्ट इज, इट्स कमिंग डायगोनली. हां, लिफ्ट इज कमिंग डायगोनली. ओह या. सो गाइस, दिस इज द लॉकर दैट वी हैव टेकन. इसमें हमने अपना एक इतना बड़ा सूटकेस रख दिया है. देखिए 10 फ्रैंक्स का एक बड़ा लॉकर है. अब देखिए यहाँ पे ये रेड लाइट जल रही है. दिस इज रेड, तो ये नहीं खुलेगा. ओके, ये अभी ओपन है, ग्रीन लाइट है. ओपन दिस, लगेज, हम अपना लगेज रखेंगे. आ जाए भगवान. हमारा बहुत ही खाते पीते घर का लगेज है, किसी तरीके से घुस गया. हाँ, उसमें ऊपर स्पेस है, एक हैंड बैग भी आ जाएगा. हाँ, विल क्लोज, पुश इट, नाउ प्रेस द ग्रीन बटन. नाउ आई हैव टू प्रेजेंट द कार्ड. अब ये क्यूआर कोड के साथ में ये लॉक हो गया. देखिए रेड लाइट आ गई. हाँ, ये इंडियन दिमाग हमारे, इसमें ये थोड़ा छोटे साइज का था तो इसमें एक हैंड बैग भी आराम से आ गया.
ये पूरा लॉकर एरिया है, ये जो भी ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स का है, दिस इज़ द होल लॉकर एरिया। सो चलो सिम लेते हैं। सी दैट इज़ द ट्रेन, ये वाला जो एरिया है देखिए, यहाँ पर जो बड़ी सी क्लॉक लगा हुआ है, बस इसके नीचे वाले फ्लोर में ही सारे लॉकर्स बने हैं। अब ये यहाँ पर हम थोड़ा सा सिम का देख लें कि कहाँ मिलेगा, वो भी ज़रूरी है, नहीं तो जो भी अपडेटेड रह नहीं पाएंगे हम लोग, घर पे भी बात करनी है। दिस इज़ अ मेन स्ट्रीट, बस ये मेन स्ट्रीट के जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म था वहीं पे सारे लॉकर्स बने हुए हैं। हमें भी काफ़ी कंफ्यूजन रहा, इसीलिए हम क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ स्विट्जरलैंड। यस, सो दिस इज ज्यूरिख, द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी इन स्विट्जरलैंड, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वाइब्रेंट। अच्छा वैसे बता दूं, ज्यूरिख इज नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, इट्स द बर्न, बट इट्स द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, सो द मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स वो कम लैंड हियर इन ज्यूरिख। Is it raining? लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम अपने संग अम्ब्रेलास भी लाए हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर आए हैं कन्वीनियंस स्टोर, जहाँ पे कुछ बहुत सारी इतने ऑप्शन है, एडिबल आइटम्स है, जस्ट लाइक अपने यहाँ सुपर मार्केट्स होती हैं, वेजीज एंड सैलड बोल्स। सी ये सारे सैलड बोल्स हैं, लवली, ये सारी वेजिटेबल्स हैं। यस ऑफ कोर्स, सीजर सैलड, यू लाइक सीजर सैलड? यस, सीजर सैलड। हमारे फरुखाबाद का आलू जिसके लिए हमारा फरुखाबाद फेमस है, कार्तोफिल। एंड लुक, लुक हाउ दिस इज नॉट जिंजर, दिस इज इन जिंजर, हल्दी, हल्दी, ये हल्दी है, स्टोर में हल्दी लग रही, येलो है अंदर से, कुछ तो ऐसा है जिसको देख के आरना फॉर अ चेंज बहुत एक्साइटेड हुई है। क्या है आरना? दिस इज कोरियन चिकन रामयन नूडल्स, दिस हैज किमची, दिस हैज किमची, दिस इज द किमची, ओके, राइट राइट राइट। एंड गाइस, दिस इज इंडियन शेल, दिस वी हैव फाउंड पपड़म चिप्स, दिस इज नमस्ते इंडिया, दिस इज पपड़म चिप्स, चिप्स दे लेंटिल, टॉर्टिलास भी रखे हैं नीचे। सो दिस वॉज मीग्रोज शॉप विल मार्केट, बाय बाय मीग्रो। सो गाइज, दिस इज दैट रेड स्टॉप जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रेन के लिए मिल जाएगी, तो ये यहाँ पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। टिकट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, हमारे पास स्विस पास है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर किस प्लेटफॉर्म से और कितना क्या टाइमिंग्स हैं तो वो आपको इस पॉइंट से पता चल जाती है। ये देखिए सामने, ये सारी ट्रेन्स लगी हुई हैं। हे वाओ, लुक एट योर बैक, ओ यहाँ पे सब अपने पेट्स को इतने प्यार से लेके आते हैं। व्हाई डिडंट वी ब्रिंग एडगर एंड गो, आई एम मिसिंग देम। सो हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन लेने। लुक एट दिस लैम्प्स एवरीवन, दिस इज बहुत ही प्यारे लैम्प्स हैं, आर्किटेक्चर एंड यूरोपियन स्ट्रक्चर, यू विल फाइंड दे दैट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन ऑल अराउंड यूरोप। लुक्स लाइक कैसल। अब हम लोग हैं राइन फॉल्स जा रहे हैं और ये एक ट्रेन चेंज करनी है बीच में हम लोगों को, और सच बताऊँ तो मज़ा आ गया स्विट्ज़रलैंड आके, यहाँ की ट्रेन्स में बैठ के, क्या बढ़िया ट्रेन है, और हर जगह की अलग अलग टाइप की ट्रेन से, कोई डबल डेकर हैं, किसमें किड्स का प्ले एरिया बना हुआ है ट्रेन के अंदर वो भी दिखाएंगे आपको, फैमिली कोचेस हैं जिसमें ऐसे फैमिली बैठ सकते हैं, फैमिली सेक्शन हैं, और ये देखिए हम लोग बैठे हुए हैं कितने मज़े से, खा के खा कर शांति से, कोई रश नहीं है,
सब आराम से बैठे हुए हैं, इट्स वेरी पीसफुल, बहुत नॉइजी नहीं है। और ये देखिए, ये स्विट्जरलैंड के जैसे घर होते हैं ओरिजिनली, वैसे हैं हट शेप के। ये अभी हम लोग डाउनटाउन में हैं, इसलिए यहाँ पे इस टाइप की बिल्डिंग दिख रही नहीं। यहाँ जनरली विलेजेस में जो घर होते हैं उनको शैलेट्स कहते हैं, शैलेट तो वो हट नुमा होते हैं, झोपड़ी के शेप में पुराने जो घर होते हैं बेसिकली। हे गाइस, हम लोग आ गए अपने डेस्टिनेशन के एक मुकाम पे, बीच में एक चेंज है ट्रेन स्टेशन का। स्टेशन का नाम है शफासन, पता नहीं मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ सही कि नहीं, शफासन, बाद में विल राइट इट डाउन। यहाँ से हमारी नेक्स्ट ट्रेन है और आफ्टर 10 मिनट्स। और कहते हैं ना कि स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन से आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं, इतनी राइट टाइम चलती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जैसा हम लोगों के साथ अभी हुआ, हमारी ही ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई, तो हमारा जो नेक्स्ट कनेक्शन था बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, हमारे साथ हाँ, तो जो नेक्स्ट ट्रेन थी वो छूट गई, वो 10:27 पे थी, वी रीच देयर बाय 10:29, 10:29, 2 मिनट्स के मार्जिन पे, तो अब आएगी 10:57 पे, 10:57 एंड राइट नाउ। और आपको दिखाते हैं ये स्टेशन, ठीक है, शफासन स्टेशन, ये सब बहुत, और ये स्टेशन, यहाँ पे सारे स्टेशन बहुत पुराने बने हुए हैं, अभी का नहीं, सब बहुत पुराने टाइम के हैं, 100-100 साल पुराने स्टेशन हैं सारे यहाँ पे। ये देखिए पूरा जो स्ट्रक्चर है बहुत पुराना, और वो एक शायद एक चर्च है जो दूर पे दिख रही होगी आप लोगों को। रोड्स भी बगल में हैं, ट्रेन भी चल रही है, रोड है और ये बगल में प्लेटफॉर्म्स हैं। और अभी ट्रेन आने में 15 मिनट्स का टाइम है, आदू भैया डांसिंग और हम लोग बैठ गए हैं आके वेटिंग हॉल में, सीधा वेटिंग हॉल, कितना बढ़िया है। इनका कोड है बेटा स्विस रेलवे का, SBB। सो वी वर हम पे से ट्रेन में है, ट्रेन टू न्यू हॉसन राइनफॉल्स, ओके, स्टेशन नेम इज न्यू हॉसन राइनफॉल्स, न्यू हॉसन राइनफॉल्स, ओके, एंड दिस इज द एरिया दैट इज मेड फॉर साइकिल्स, जो सो बाइसिकल से आते हैं, बाइसिकल्स ओवर हियर, सी देयर आर मेड अरेंजमेंट्स फॉर एवरीथिंग, यू नो एवरी सिचुएशन, देयर इज सेपरेट स्टेयर्स फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, देयर इज सेपरेट area for bicycle, so user friendly country, there is separate area the for the pet also, for pets also, yes, that for that what and was about to say, there is coach for family kids traveling with kids, there are a lot of slides in that coach, we'll show you, yeah. हम लोग आ गए हैं न्यू हॉसन राइनफॉल्स स्टेशन, और यहाँ से हम जाएंगे राइनफॉल्स देखने। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, इतना सुंदर है ये, सिर्फ तभी आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप लोग खुद आएँ, और हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आप यहाँ पे आएँ और कैसे आएँ। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिसका नाम है डॉक्टर प्रशांत एंड नेहा ब्लॉग्स। एंड वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रीज ट्रैवल करने के लिए यू शुड ऑलवेज पिक द बेस्ट मंथ्स, सो दैट कि आपको वेदर अच्छे मिले, बिकॉज अगर आप ज़्यादा गर्मी या एक्सट्रीम वेदर्स में आप कितनी भी अच्छी जगह जाओगे थोड़ा सा वो रहेगा, सो ऑलवेज चूज द बेस्ट मंथ, बेस्ट वेदर टू ट्रैवल। करेक्ट, जो भी लोग राइनफॉल्स आएंगे उनके लिए आप न्यू हॉसन राइनफॉल स्टेट यहाँ पे स्टेशन पे उतरेंगे और स्ट्रेट वॉक करेंगे तो आपको ये बोर्ड दिख जाएंगे, ये लिखा हुआ राइनफॉल, बस इसको फॉलो करते जाना है और हम लोग राइनफॉल्स पे पहुँच जाएंगे। ये स्टेशन है और ये राइनफॉल, 5 मिनट्स। और ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं बोट को और नीचे जा रहे हैं राइनफॉल्स की तरफ, वो हवा देखो भैया। Yeah.
अच्छी लग रही है। आई कैन जस्ट इमेजिन कि वाटर इज लाइक कितना ठंडा होगा एंड मतलब देखिए आप इधर टू रॉक्स हैं। हां बीच से द वाटर इज फ्लोइंग लाइक क्रेजी। यस। और ये जो आप लोग फ्लैग्स देख रहे हैं ये यहाँ के अलग अलग सिटीज़ के फ्लैग हैं, ज्यूरिख, बर्न, जैसे अपने यहाँ तो कंट्री का फ्लैग होता है, यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के भी फ्लैग हैं। ये देखिए। सो पीपल हमने टिकट्स ले ली हैं एंड दिस इज़ द टिकट ऑफ राइन फॉल्स। या I'm in charge of all the bills and the tickets. Yes. और यहाँ से नीचे एक पिंक कलर की बोट है जैसे उन्होंने बताया है, वहीं से हम राइड लेंगे उसी बोट से। It's beautiful and those are the rain falls. So going to experience it. जब ships वगैरह यहाँ से जाते थे तो कस्टम ड्यूटी वगैरह यहीं पे करनी होती थी। जस्ट सी ओवर देयर द फेमस स्विस बेल इन राइन फॉल। ओह या हमने 30 मिनट्स का ऑडियो गाइड टूर लिया है पीपल, क्योंकि हमारे पास थोड़ा शॉर्टेज ऑफ टाइम है। यहाँ पे 1 आवर का भी था, 15 मिनट्स का भी था, 30 मिनट्स, उधर हम टाइमली अपनी ट्रेन भी कैच कर पाए, वो भी कट टू कट ही रहेगा और यहाँ के भी मजे हो जाएंगे। तो एक है जो है 9 फ्रैंक फॉर दी एडल्ट, वो 15 मिनट का है, और एक हमने लिया है ये 11 फ्रैंक का है, बट दिस इज 30 मिनट ऑडियो गाइडेड। तो 2 फ्रैंक के चक्कर में टेक 30 मिनट टूर, नॉट टू टेक 15 मिनट टूर। राइट, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 2। तो इज दिस अ ऑफ सीजन डू मै दिस वन इज हिंदी एंड हाउ डू यू हियर द पीपल ओवर हियर एट स्विस। जो अभी फिलहाल हमारा सुबह से जो एक्सपीरियंस रहा है दे आर रियली रियली स्वीट, दे हैव अ हनी टंग और बहुत ही प्यार से बात करते हैं और दे आर वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आस्क एनी इन्फॉर्मेशन कुछ भी है। बल्कि एक सुबह तो एक मैम हम लोग को मिली थी, हम लोगों ने उनसे पूछा था कि एक ट्रेन के लिए कि प्लेटफॉर्म से, एंड देन वी वर अबाउट टू टेक अ लेफ्ट, फिर वो पता नहीं कहाँ से दोबारा से उसी रास्ते से घूम कर आई, शी थॉट कि हमें अभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो बेचारी फिर हमारे पास आई, उन्होंने कहा वो आर यू पीपल स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट प्लेटफॉर्म, मैंने कहा नो 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 नो, दे आर दैट स्वीट, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत फ्रेंडली, बहुत ही कोऑपरेटिव। सो हाँ इट्स चिली हियर और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और देखो आपको मेरे इससे लग गया होगा मेरा जो पहनावा है ऐसा, मैं पूरा मैं अपने आप को मैंने इस स्कार्फ में लपेट रखा है क्योंकि आई जस्ट फॉरगॉट माय कैप्स टू टेक आउट फ्रॉम दी चेक इन लगेज, बच्चों के ऊपर थी पर हमारी और इनकी चेक इन लगेज में ही रखी हुई थी, तो इसीलिए हम अभी ऐसे, बट ठीक है, इट्स गुड टू यू नो कीप योरसेल्फ सेफ। अभी पूरा आगे 10 दिन का टूर और बाकी है जो हमें इन्जॉय करना है। सो दिस इज़ अ डिवाइस, ऑडियो डिवाइस, इज जस्ट लाइक फ़ोन, हमें ऐसे सुनना है और इसमें वो सब बताएंगे, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज भी अवेलेबल थी, तो हमने ये ले रखी है सो दैट हमें यहाँ का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी, इसके इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस जो है इस राइन फॉल्स का उसके बारे में भी पता चले। तो ये शुरू हो चुकी है हमारी राइड, आई एम लिसनिंग टू द वेरी गुड म्यूजिक। यहाँ पे जो फिशेज हैं इनको ड्रिबल फिशेज कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक बड़ी सी हैं, अगर व्यू दाएं तरफ वो अच्छा फिश कल्चर होता है यहाँ। Adu is driving this boat. Great. Left. That's enough.
ग्रेट आद्या, थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक्स टू हिम, या थैंक यू सो मच मॉडल. Greetings to India. Yeah, same to you. It's amazing. तो अभी हम लोग हैं राइन फॉल्स, राइन रिवर पे, और ये रिवर डिवाइड करती है जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर को. बट जो पार्टीशन है वो बहुत हैपाजैड है, ये लोग अभी बता रहे थे, ऑडियो गाइडेड टूर हमने किया उसमें. और यहाँ पे एक बंकर था जो दिखाएंगे अभी आपको, तो वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एज ए बंकर यूज़ हुआ था. और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको देंगे. और ये जो दिख रहा है सामने, ये नोल गांव है. नोल गांव इस गांव की एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. इन शॉर्ट यहाँ पे जो लोग रहते थे पहले 500 साल पहले, वो लोग मछली यहाँ से ले जाया करते थे ज्यूरिख में, और वहाँ से वापस लाते थे. इट्स ब्यूटिफुल. देखिए यहाँ पे लोग अपने घरों को कैसे सजाते हैं फ्लावर से. ये घर है शैलेट जो मैं बता रहा था, हट नुमा जो घर होते हैं स्विट्जरलैंड में पुराने, वहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये लोग डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स. कोई गंदगी नहीं, नो पॉल्यूशन. मेरा बहुत मन है कि हमारे इंडिया में भी ऐसे ही हो, और शायद आने वाले टाइम में होगा भी. अगर हम लोग सब लोग इसके लिए कोशिश करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो सकता है. ये जो झाग आप लोग देख रहे हैं, ये कोई गंदगी की वजह से नहीं है. यहाँ पे जो जल के नीचे, पानी के नीचे जो पौधे रहते हैं या जो जीव रहते हैं, ये उनके अंदर एक केमिकल होता है सैपोनिन, तो वो साबुन बनाने में भी यूज़ होता है, उसी से ये झाग आ रहे हैं. अमेजिंग. एंड वंस अगेन आद्या इज़ ड्राइविंग द बोट, एंड मॉर्टिन उसका फ्रेंड हो गया. मॉर्टिन इज़ अ वेरी नाइस फेलो. Amazing.